नमस्कार, सुजाता की रसोई से में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, मखाना मसाला। ये जितना खाने में टेस्टी है उतना ही ये हमारी बॉडी के लिए भी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है या कैल्शियम की कमी है तो उन्हें इस तरह से मखाने बनाकर 15 से 20 दाने रोज खाने चाहिए। ये कमर दर्द में बहुत ही आराम मिलता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं किस तरह से फ्राई करेंगे। ये मैंने नमक लिया है, ये मैंने सूखा पुदीना लिया है, इसको पीस लिया है मिक्सी में, चाट मसाला लिया है ये, और ये काला नमक लिया है, ये भुना पिसा जीरा लिया है, और ये काली मिर्च का पाउडर लिया है, और ये 3 कप मैंने मखाने लिए हैं। इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है, कई बार इसमें हार्ड सा होता है, ब्लैक सा, उसको हटा देना है। ये फ्रेंड्स मेरे घर का बना हुआ देसी घी है, हम इसे देसी घी में फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह की करछी ली है, इसको 2 करछी भर के डालेंगे हम। आप चाहें तो 2 छोटी 2 चम्मच में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा घी में बहुत ही बढ़िया फ्राई होते हैं और खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब इस घी मेल्ट हो चुका है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम से लो के बीच में रखना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। आप थोड़ी देर में देखिएगा घी सारा ये पी जाएंगे मखाने और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ बड़े बर्तन में। ये मैंने निकाल लिए हैं, जितने में ये फ्रेंड्स ठंडे होंगे उतने में हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। ये चाट मसाला लिया है हमने आधी चम्मच के करीब, और ये चुटकी भर नमक लिया है हमने, 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम है इसे, लेकिन ज़्यादा पड़ेगा भी थोड़ा और डालेंगे। 1/4 चम्मच हमने भुना पिसा जीरा भी लिया है और काली मिर्च का पाउडर भी लिया है फ्रेंड्स, 1/4 चम्मच, और ये 1 चम्मच डाल देंगे लगभग पुदीने का पाउडर, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, हम पुदीने वाला ही बना रहे हैं। ये थोड़ा सा काला नमक और डालेंगे और थोड़ा सफ़ेद नमक भी डालेंगे। अब इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फ्रेंड्स मसाले कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं आप। अब इसको बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मसाला रेडी हो गया है बनकर के। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी क्रिस्पी हैं ये। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। अब ये हम 2 चम्मच मसाला डालेंगे। पहले हम थोड़ा 1 चम्मच डालेंगे, फिर इसको अच्छे से मिक्स करके खा करके देखेंगे इसमें नमक मिर्च कितना कम ज़्यादा है। कम लगेगा तो फिर हम ऊपर से और डाल लेंगे। अभी हमने 1 चम्मच डाला है। इसमें पुदीने की फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि हर दाने पर अच्छे से मसाला लग जाए। हम इसमें और डाल देंगे मसाला। इसमें लगभग 2 चम्मच आराम से लग गया है मसाला, और इसमें हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मिर्च डालेंगे इसमें। ये इसी तरह से बहुत ही परफेक्ट लगते हैं। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं खा करके दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी हैं। देखिए आप सुन सकते हैं मखाना मसाला बन करके एकदम तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं फ्रेंड्स ये, और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में ही रखें, काफ़ी समय तक ये क्रिस्पी रहेंगे। और आप सबको तो इसके बेनिफिट के बारे में पता ही है फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो आज की पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।